ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ट्रेन के हॉर्न से नमाज पढ़ने में दिक्कत होने पर मुस्लिमों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके। ट्विटर पर यह वीडियो इसी दावे के साथ कई यूजर्स ने ट्वीट किया है। इसे फेसबुक पर भी शेयर किया गया है। तो क्या वाकई में नमाज में दखल होने पर लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंके? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली। खबरों के मुताबिक ये घटना चेन्नई में 11 अप्रैल को हुई थी, जहां दो गुट आपस में भिड़ गए थे और बाद में उन्होंने ट्रेन पर पथराव किया था। इंडिया टुडे के आर्टिकल का थंबनेल वायरल वीडियो से मेल खाता है। खबर के मुताबिक पचैयप्पा कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच विवाद हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज के स्टूडेंट्स तिरुपति एक्सप्रेस में जा रहे थे और पचैयप्पा कॉलेज के छात्र अरुक्कनम जाने वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्रों ने कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। इस वजह से यात्रियों ने शिकायत की और उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। उन्होंने नीचे उतरकर पचैयप्पा कॉलेज के छात्रों को निशाना बनाते हुए अरुक्कनम की ओर जा रही ट्रेन पर पथराव किया। इस कारण ट्रेन रोकनी पड़ी और बाद में दोनों गुटों में मारपीट हो गई। एक और रिपोर्ट के अनुसार इसमें शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यानी चेन्नई में ट्रेन पर किए गए पथराव का वीडियो झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया।